हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाओ किचन। आज हम बर्गर बंस बना रहे हैं। इस लॉकडाउन सीजन में बेकरी आइटम्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, तो आज हम इन्हें घर में ही ट्राई करते हैं। बंस बनाने के लिए हम सबसे पहले बोल में हाफ कप ल्यूकवॉर्म वाटर लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून शुगर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून ड्राई यीस्ट मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरी तरफ अपने डो के मिक्सचर की तैयारी करेंगे। मैंने इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम बोल में 3 कप मैदा लेंगे। इसमें हम 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा ये जो मिक्सचर है, इससे लगभग 10 से 12 बंस रेडी हो जाते हैं नॉर्मल साइज के। अब 15 मिनट बाद हमारा ईस्ट भी रेडी हो गया है। अब हम इस डो में ईस्ट को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ईस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो रेडी करेंगे। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध भी मिक्स करेंगे। दूध को हम इसमें इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार सॉफ्ट डो रेडी कर लें। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डालेंगे और डो को उसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से गूंथेंगे, ताकि सारा बटर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, हमारा सॉफ्ट और शाइनी डो रेडी है। अब इस डो को हम बोल के अंदर एयर टाइट करके 2 से 2.5 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, लगभग 2.5 घंटे बाद हमारा डो कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। अब इस डो को हम बोल में निकालकर 5 से 7 मिनट के लिए वापस अच्छे से गूंथेंगे। दूसरी तरफ हम माइक्रोवेव को प्रीहीट करने लगा देंगे। अब हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज के भी रख सकते हैं या छोटे साइज के भी। मैंने थोड़े बड़े साइज पोर्शंस रखे हैं। अब इनके इस तरीके से ओवल शेप बॉल्स बनाकर हम एक ग्रीस ट्रे में सेट करने के लिए रख देंगे। इन बॉल्स को अब हम 10 से 15 मिनट के लिए एक वेट क्लोथ से ढककर रख देंगे। 15 मिनट बाद देखिए, बॉल्स का साइज थोड़ा बढ़ गया है। अब हम इनको मिल्क से ब्रशिंग करेंगे और इनके ऊपर वाइट तिल बहुत अच्छे से डालेंगे, क्योंकि वाइट तिल से बंस बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब हम इस ट्रे को प्रीहीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। बेक होने के बाद बंस को गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। देखिए, अब हमारे बंस ठंडे हो गए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट बंस रेडी हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियो।